में भाजपा युवा मोर्चा ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। बेरोजगारी भत्ता भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भाजयुमो ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं की पुलिस से काफी झूमाझटकी भी हुई। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय का चैनल गेट भी तोड़ दिया। इसके बाद राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। एसडीएम को ज्ञापन देते हुए भाजयुमो ने सभी बेरोजगारों को भत्ता देने की मांग की। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी क्षेत्र में आप देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से कुशासन चल रहा है, भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है, दलालों की सरकार चल रही है, हर जगह अव्यवस्था है। चाहे इसमें हम बात करें बेरोजगारी की, सरकार ने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, आप इनका घोषणा पत्र उठा के देख के बताइए उसमें कहाँ लिखा है शर्तें लागू, यहाँ शराबबंदी से लेकर तमाम चीज़ों को। तो आज का जो ये आंदोलन है ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा था, जिसमें आरक्षण को लेकर जो ठगने का काम सरकार ने किया है, 76% का प्रस्ताव वो देती है, उनको मालूम है 50% से ऊपर आरक्षण हो नहीं सकता, तो भर्तियां रुकी हुई हैं, बेरोजगारी भत्ता रुका हुआ है, इन तमाम चीजों को लेकर आज, साथ ही भ्रष्टाचार और जिस तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, शराबबंदी से लेकर प्रधानमंत्री आवास, रेत की दलाली, जमीन दलाली, इन तमाम चीजों को लेकर, और एक सबसे बड़ा विषय तखतपुर को लेकर है कि यहाँ पे जो सरकार के नुमाइंदे के रूप में लोग बैठे हैं, पुलिस हो प्रशासन हो, वो संरक्षण दे रहे हैं विधायक को उनके किए हुए जुर्म के अपराध के, कोई FIR नहीं होती। द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेके SDM कार्यालय के घेराव का ज्ञापन पहले दिया गया था, जिनके द्वारा जो है घेराव की कार्रवाई भी की गई है और उनके द्वारा ज्ञापन भी दिया हुआ है और ज्ञापन जो है विधिवत जो है शासन तक प्रेषित किया जाएगा। छत्तीसगढ़